संजय चौधरी। आपके द्वारा 11 जुलाई से नेशनल हाईवे छुई पाली के पास जो अनशन किया जा रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है और किन मांगों को लेकर आप अनशन कर रहे हैं? हम लोग टोल फ्री के मांग को लेकर हम लोग पिछले 2-3 महीने से संघर्षरत हैं और 2-3 बार टोल प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं। आवेदन के माध्यम से तहसीलदार, SDM साहब, कलेक्टर साहब को सबको अवगत करा चुके हैं ज्ञापन दे करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग 11 जुलाई का अल्टीमेटम दिए थे कलेक्टर साहब को कि 11 जुलाई तक अगर नहीं होता है सर तो हम धरना प्रदर्शन करने के मजबूर होंगे। अच्छा, जो है आप अभी जो है टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं, तो किस नियम के तहत आप यहाँ पे टोल फ्री की मांग कर रहे हैं? जी, हम नियम के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है अपन को, लेकिन राजनांदगांव में जैसे छूट है टोल का, दुर्ग में छूट है टोल प्लाजा का, वहाँ स्थानीय निवासियों के लिए 07 के लिए टोल टैक्स नहीं लगता। OD-17 में जाएंगे तो यहाँ ट्रक तक के भी टोल टैक्स नहीं लगता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे ज़िले में जो है नेशनल हाईवे में चलने के लिए अलग नियम और हमारे महासमुंद ज़िले में जो है जिले वासियों के लिए अलग नियम, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? वही हमारी मांग है कि एक ही रोड है, जब सभी NH-53 में आते हैं, सभी टोल, जो तीनों टोल बताया मैं आपको, तीनों टोल NH-53 में आते हैं, तो नियम हर टोल में अलग अलग क्यों? एक ही नियम में चले ना तीनों चारों टोल जो भी है। अच्छा, तो अभी से आप जब से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं 11 तारीख से, लगभग लगभग 2 दिन का समय बीत चुका है, तो किन किन लोगों का आपको समर्थन यहाँ पे मिल चुका है? नहीं, कई जने का अप्रत्यक्ष मतलब समर्थन मिल रहा है, कई जने का प्रत्यक्ष समर्थन भी मिल रहा है। लिखित में अभी झलप वाले लिखित में समर्थन दिए हैं कल, उन्होंने उनका बहुत बहुत आभार, और बसना वाले अभी कुछ साथी आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, वो धरना स्थल पर पहुँचे थे अभी और उन्होंने समर्थन दिया है और उन्होंने जो भी आगे कार्यक्रम रहेगा उसमें सहयोग करने की बात कही है। अच्छा, जैसे अभी हम अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो हमारे क्षेत्र से जो है 3 विधायक हैं और उसके बावजूद एक सांसद भी हमारे क्षेत्र से चुनी गई हैं, उसके बाद भी जो है आप जो है समस्या बता रहे हैं कि हमको जो है क्षेत्र में टोल जो है निःशुल्क नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, जनप्रतिनिधियों का समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं, उन्होंने हम अपनी बात रख दिए हैं उनके यहाँ, लेकिन उनका अभी कहीं बाहर होने की बात कही गई उनके द्वारा, जब भी आएंगे उनसे फिर मुलाकात करेंगे हम। तो आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधियों को जो है आम लोगों की आवाज़ है तो उनको उनका समर्थन मिलना चाहिए? नहीं, सहयोग करना चाहिए उनको। अच्छा, तो जैसे जिले वासियों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है यहाँ पे अभी? देखिए, अब मेरे गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव से 1 किलोमीटर में टोल प्लाजा है, मेरे गाँव में लगभग 100 गाड़ी है। मेरे गांव से अगर सिंघनपुर भी किसी को इलाज कराने के लिए जाना है तो वहाँ पेट्रोल डीजल से ज़्यादा टोल देना पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो ऐसे बात कही जाती है मंथली पास की भी सुविधा दी गई है, तो मंथली पास से क्या है आम लोग यहाँ पे खुश नहीं है? नहीं, मंथली पास से क्या होना जाना है, मंथली पास कई लोग नहीं कर, कोई महीने में 1-2 बार जाता है, वो नहीं समझता कि मंथली पास मेरे को करना चाहिए, लेकिन अचानक ऐसे होता है कि 5-10 बार भी जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे जिले वासियों को जो है टोल द्वारा निःशुल्क व्यवस्था नहीं की जा रही है, और आपको कुछ टोल प्लाजा द्वारा कुछ खामी नज़र आती है यहाँ पे? बहुत सारी खामियाँ हैं, टोल प्लाजा की खामियाँ निकालें तो हम वो अलग मैटर है, लेकिन खामियाँ निकालें तो हम अभी बहुत सारे खामियाँ गिना सकते हैं। तो क्या लगता है, टोल जो है पूरी तरह से सुविधा दे रहे हैं जिले वासियों? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जैसे ही रायपुर आना जाना आपका भी हो रहा होगा, रायपुर आने जाने में हमको पटेवा से लेकर के उड़ीसा बॉर्डर तक हमको सैकड़ों की संख्या में मवेशी मिल जाएंगे हाईवे में। इस सबके लिए NHA को व्यवस्था करना चाहिए, जब टोल टैक्स ले रहे हैं तो यह मवेशी हमेशा हमेशा, अभी भी आप जाइए पटेवा से लेकर के उड़ीसा बॉर्डर तक, आपको कितने मवेशी मिल जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में। अच्छा, तो अभी जैसे कि एक बात और सुनाई में आ रही थी कि जो है अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो 16 तारीख से चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। नहीं, हाँ, तो उसके लिए 18 तारीख का हम व्यवस्था किए हैं, अगर 18 तारीख 17 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, 17 तारीख के रात 12 बजे तक, तो हम 18 को चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। तो क्या आपने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी? नहीं, जानकारी दे दी है सर। मेरा नाम आरिफ अली पिंकी है। अच्छा, अभी जो है यहाँ पे टोल प्लाजा के सामने जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे है यहाँ पे टोल की व्यवस्था जो है निःशुल्क की जानी चाहिए, आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पे टोल की व्यवस्था निःशुल्क की जानी चाहिए? सर, अब यहाँ तक तो सभी के मांग है कि टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज लगभग 9 साल लगभग हो गया यहाँ पर टोल प्लाजा को, और इसमें हमको लोकल वाले किसी भी तरह का कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। जब भी टोल प्लाजा हम लोग दो बार हम तो आवेदन लेके गए थे उनके पास, दोनों बार हमारा आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, दोनों बार हमको हमारा आवेदन को बोला गया कि भाई आप कलेक्टर महोदय के दीजिए या NH में जाके ऑफिस में जाके दीजिए, हम गोल मोटर करना पड़ा। उस नाम से हमको इस 11 तारीख से हमको आंदोलन करना पड़ा।
अच्छा, किस नियम के तहत आप जो है यहाँ पे टोल निःशुल्क करने की मांग कर रहे हैं? सर, कानून सबके लिए एक है, कानून किसी एक के लिए है कि ऐसे वाली बात तो ही नहीं, इसलिए जनहित का मुद्दा है। सर, हमारे यहाँ से आप तो चले जाइए, दुर्ग चले जाइए, राजनांदगांव चले जाइए, हमारे बगल में उड़ीसा बरगढ़ है, वहाँ पर की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ फ्री है। बड़ी गाड़ी है, 4 चक्का से लेकर बड़ी गाड़ी तक, 10 चक्का, 12 चक्का, बड़ी गाड़ी, ट्रक, ये सब गाड़ी आने जाने कर रहा है। वहाँ पर उन लोग ये लागू किए हैं कि वहाँ पर जो भी गाड़ी है, 3 नंबर एक गेट है, उनको ऑथोराइज किया गया कि भाई इस 3 नंबर गेट से गाड़ी वाले लोग जाएंगे, अदर अगर में तो जो गेट से मतलब जाते हैं तो उनका फास्टैग कटा जाएगा। अगर हमको भी अगर ये सुविधा दे देते हैं तो हमारे बहुत सारे राहत मिल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, और क्या आगे चल के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा सकता है? कुचलने का तो शुरू से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कुचलने नहीं देंगे। और हमारा संजय भाई जो अभी आगे चले हैं और उनके साथ में हम लोग सब चल रहे हैं और आगे तक रहे, जब अगर भूख हड़ताल के बाद, चक्कर जाम के बाद भी अगर यहाँ पर यह मांग पूरा नहीं किया जाता, ये आंदोलन यथावत चालू रहेगा, बंद नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। यूँ ना क्यों ना 1 साल लग जाए, क्यों ना 6 महीने लग जाए या 3 दिन लग जाए, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि हमारी मांगे कब पूरा करेगी। अच्छा, किसी तरह के प्रलोभन से तो ये जो है आंदोलन स्थगित तो नहीं होगा? ऐसी प्रबोलन तो हमको दे चुके हैं। अच्छा, हमको दे चुके हैं कि आप इसको स्थगित किया जाए और आपकी जो मांग है हमको बताओ, लेकिन हम भाई हम अभी आगे कि हमको बहुत सारे चीज़, हमारे जीवन है, हमारा आयु है, जो हमको सामने में बहुत सारा फेस करना पड़ेगा। अगर हम आज अगर कुछ लेकर प्रबोलन दे के, पैसा लेके, कुछ भी चीज़ हम लेकर अगर बैठ जाते हैं तो आने वाले साल में हमको यही बोला जाएगा कि ये आदमी सही नहीं है, ये चंद पैसा में लोग अपने आप को बेच दिया। इसमें जितने भी हमारे सामने जुड़े हैं निस्वार्थ होकर, आज हमारे सामने में बसना से भी पूरा टीम आई है, हमारे बगल में बसना गाँव है, उसे भी कल हमारे यहाँ से झलावासी भी जाके कलेक्टर ऑफिस में भी हमारे समर्थन किए, ऐसे बहुत सारे यूनियन हैं जो हमको अभी आके समर्थन देने की चाह रहे हैं। अभी हमारे सरेपाली से यूनियन से भी हम बातचीत हुई है, ट्रक एसोसिएशन से, उन लोग बोले कि भी हम आपको समर्थन देंगे, आज आने का है उनका, आज आके वो हमको समर्थन भी देने का है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी आस पास के हैं, ट्रक वाले हैं, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, वो आए और हम यहाँ समर्थन दें और पूरी तरह से 18 तारीख को जो हमारा रूपरेखा हम तैयार करके रखें, 18 तारीख भय प्रदर्शन करने की तैयारी। तो क्या लगता है आपको, आपकी मांग प्रशासन द्वारा पूरी कर ली जाएगी? अब प्रशासन ऊपर है कि प्रशासन हमारी मांग को पूरी करती है, अगर हम गलत में हैं तो हमारी मांग को, मांग तो नहीं करेंगे पूरा, लेकिन हम सही हैं तो हमारी मांग को पूरा, क्योंकि कानून में आपको पहले बोला हूँ और आप भी बोलो, पहले जो कानून है सरकार वो सबके लिए एक है, और आज भी अगर होगा तो वो भी कानून हमारे लिए भी एक होगा। अगर बरगढ़ वाले को अगर छूट दिए हैं और राजनांदगांव वाले छूट दिए हैं तो सरेपाली वाले को भी छूट देंगे।